गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 4 बजे हैं और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है दिल्ली में। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। अभी बीच बीच में थोड़ी सी बारिश हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। आज मैंने अपने बालों को वॉश किया था, शैम्पू कंडीशनिंग की थी, देख सकते हैं आप। मेरे बाल भी बहुत फ्रिजी हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप शैम्पू करते हैं तो अपने बालों में कंडीशनर ज़रूर लगाया कीजिए। शैम्पू हमारे बालों को ड्राई करते हैं क्योंकि उसका पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कंडीशनर करने से वो मेंटेन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, जैसे सब्ज़ी हम बनाते हैं, कभी कभी नमक उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसमें टोमेटोज डाल देते हैं, कई सारे लोग दही डालते हैं, बहुत सारे लोग घी भी डालते हैं। इससे क्या होता है कि वो नमक कम हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। वैसे ही हमारे बाल अगर हम सिर्फ शैम्पू करके छोड़ दें तो बहुत फ्रिजी हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, देखने में शाइन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अगर आप कंडीशनर करते हैं तो वो बिल्कुल मेंटेन कर देगा। उसके बाद आप सीरम भी लगा सकते हैं। कभी भी आप वैसे बालों को मत छोड़ें। वीकली नहीं होते तो कर्ड, लेमन, ये सब भी आप होम रेमेडीज़ भी ले सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं।